क्या आप भी उन लोगों में से एक है जिनको कुत्ते पसंद है? क्या आप घर में कुत्ता पालने का प्लान बना रहे हैं? तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। ऐसे बहुत से क्यूट और लविंग कुत्ते हैं जो किसी भी जगह पर इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं दुनिया के 10 सबसे क्यूट डॉग्स जो आपके दिल को जीत सकते हैं। इस लिस्ट में कुछ डॉग्स ऐसे हैं जिनको आप पहचानते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। तो इन क्यूट क्रिएचर से मिलने के लिए तैयार हो जाइए। नंबर 10, डालमेशियन। ये प्रजाति मूवी 101 डालमेशियन के बाद लोगों की नजरों में ज्यादा आई। अचानक से इस प्रजाति की डिमांड लोगों में बढ़ गई और इस डिमांड के बढ़ने का कारण था इस कुत्ते का रंग और इसकी बॉडी के स्पॉट्स। ये कुत्ते काफी समझदार होते हैं, जिनको अगर थोड़ी सी भी ट्रेनिंग दी जाए तो ये बखूबी अपने मालिक की रखवाली करते हैं। इनकी समझदारी की वजह से ही इनको गार्ड डॉग भी कहा जाता है। इनका एनर्जी लेवल हमेशा हाई रहता है। इन कुत्तों की प्रजाति की खास बात यह है कि जब ये पैदा होते हैं तब इनकी बॉडी पूरी तरह सफेद होती है और इस पर कोई स्पॉट्स नहीं होते। पैदा होने के 2 से 3 हफ्ते के बाद इनके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स आने शुरू होते हैं। दूसरी खासियत ये है कि इनके ऊपर जो स्पॉट्स होते हैं वो इंसानों के फिंगरप्रिंट्स की तरह यूनिक होते हैं। मतलब एक डॉग के स्पॉट्स दूसरे डॉग के स्पॉट्स से मैच नहीं होते हैं। नंबर 9, समोयेड। सफेद फर वाले ये जानवर कुछ कुछ लोमड़ी की तरह दिखाई देते हैं। इनके चेहरे का आगे का पार्ट लोमड़ी के चेहरे की तरह दिखाई देता है। इस ब्रीड में काफी सारी ऐसी खासियत है जो इनको क्यूट और अडोरेबल बनाती है। इसमें सबसे पहले है इनका गाना। जी हाँ, ये कुत्ते अपने ही स्टाइल में गाना गाते हैं। हाँ, वो सुरीला तो नहीं होता लेकिन इनको गाते हुए देखने में अच्छा लगता है। अगर आप इनके गाने से इम्प्रेस नहीं होते हैं तो इनके पास आपको लुभाने के लिए स्वीट स्माइल भी है। इनके लिप्स नेचुरली ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं जिससे अगर ये शांति से बैठे भी हो तो भी ऐसा लगता है जैसे मुस्कुरा रहे हो। इनके अंदर जो सबसे अच्छी खासियत है वो ये है कि ये कुत्ते ऑर्डरलेस होते हैं। इनको दूसरे कुत्तों की तरह बार बार नहलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप इनको कई दिनों तक भी नहीं नहलाते तो इनके फर से स्मेल नहीं आएगी। नंबर 8, सेंट बर्नार्ड। कुत्ते की ये प्रजाति वैसे तो काफी बड़ी होती है लेकिन इनको पालने वाले के लिए डर की कोई बात नहीं होती। डर तो घर के बाहर के लोगों को लगना चाहिए। घर में कुत्ता पालने की पहली डिमांड भी यही होती है। ये कुत्ते इंटेलिजेंट, लवेबल और लॉयल होते हैं। जितने ज्यादा प्यार से ये बड़े लोगों के साथ खेलते हैं उससे भी ज्यादा प्यार और केयर के साथ छोटे बच्चों के साथ रहते हैं। ये जायंट कुत्ते बच्चों के खेलने के वक्त पर उनके लिए खिलौना भी होते हैं और बच्चे के सोने के वक्त पर उनके लिए तकिया भी बन जाते हैं। ये पहाड़ और बर्फ वाली जगह पर भी आसानी से रह सकते हैं। ऐसा कई बार होता है कि जब हमें कई बार जाना होता है तो पेट्स की बड़ी मुसीबत हो जाती है कि इनका क्या किया जाए। ये प्रॉब्लम सेंट बर्नार्ड के साथ नहीं झेलनी पड़ती है। ये घर में बिना किसी दिक्कत के अकेले आराम से रह सकते हैं। नंबर 7, डॉक्सन्ड। लंबी बॉडी, छोटे पैर और लंबे कानों वाले इस कुत्ते की ब्रीड को शायद आप सॉसेज डॉग के नाम से भी जानते होंगे। ये क्यूट तो होते ही है साथ ही शरारती भी होते हैं। इनको घर में पालना मतलब पूरा दिन आपको इनकी नई नई शरारतें देखने को मिलेंगी। वैसे तो ये छोटे से होते हैं लेकिन फिर भी उनको भूख बहुत ज्यादा लगती है। ये खाने की तलाश में ही रहते हैं जिनकी वजह से कई बार ये अपनी डाइट पर कंट्रोल नहीं कर पाते और इतने मोटे हो जाते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी इनको आलस आता है। अब जब पूरा दिन खाएंगे तो नींद और आलस तो आएगा ही। खैर, मोटा तो कोई भी जानवर हो सकता है लेकिन डॉक्सन्ड की तरह क्यूट होना शायद थोड़ा सा मुश्किल है। नंबर 6, बीगल। जब बात की जा रही हो क्यूटेस्ट डॉग ब्रीड की तो बीगल को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। कुत्ते की ये प्रजाति क्यूट होने के साथ साथ ब्रिलियंट भी है। ये अपने मालिक के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपनी जान भी दे सकते हैं। इन कुत्तों की सेंस ऑफ स्मेल्स काफी ज्यादा अच्छी होती है जिनकी वजह से इनको एयरपोर्ट पर या फिर सिक्योरिटी फोर्स में नौकरी दी जाती है। ये खाने की चीज से लेकर एक्सप्लोसिव, ड्रग्स और इलीगल मटेरियल तक स्मेल करके उसको पहचान सकते हैं। इस खूबी और बड़ी बॉडी होने की वजह से ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये बच्चों के लिए या घर में रखने के लिए सेफ नहीं है। बस घर में रखने से पहले इनको थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ये बहुत ज्यादा शैतान नहीं होते बल्कि ये तो काफी समझदार होते हैं जो अपनी समझदारी से किसी का भी बड़े ही आसानी से दिल जीत सकते हैं। नंबर 5, गोल्डन रिट्रीवर। कुत्तों की ये प्रजाति ऐसी है जिसको काफी लोग जानते होंगे क्योंकि इनके अंदर ऐसी कई खूबियां है जो इनको फेमस बनाती है। जैसे ये खूबसूरत है, समझदार है, वफादार है, घरों में पालने के लिए परफेक्ट डॉग्स है। जिसके घर में भी गोल्डन रिट्रीवर होगा शायद ही इसको कोई दूसरी प्रजाति का कुत्ता पसंद आए। इनका चार्म ऐसा है कि ये किसी को भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। आपको शायद गोल्डन रिट्रीवर के बारे में ये बात नहीं पता होगी कि इनको थेरेपी डॉग्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये
कुत्ते इंसानों को काम करने में मदद करते हैं। इनका अनकंडीशनल लव किसी थेरेपी से कम नहीं होता है। इन कुत्तों की मासूमियत कहे या शैतानी, ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ रास्ते में जो भी सामान इनको मिलता है सब उठाते हुए चले आते हैं। इतना ही नहीं, ये किसी भी चीज को अपना खाना बना लेते हैं, फिर चाहे वो खिलौने हो, पेपर हो, क्रेयॉन्स हो या फिर कुछ और। खैर, इतनी शैतानी करना तो इनको अलाउड है, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि घर में कोई कुत्ता रहता है। नंबर 4, पोमरेनियन। इस कुत्ते को दुनिया के क्यूटेस्ट डॉग के खिताब से नवाजा जाता है, क्योंकि ये इतने छोटे और प्यारे होते हैं कि इनको देखते ही प्यार करने का दिल करता है। ज्यादातर सफेद रंग के घने बालों वाले ये डॉग्स छोटे से लेकर बड़े होने तक क्यूटनेस के सारे लेवल्स को पार कर जाते हैं। स्मार्ट, क्यूरियस, एनर्जेटिक, बोल्ड होने के साथ साथ ये छोटे से कुत्ते प्लेफुल भी होते हैं। इनकी इन्हीं क्वालिटीज की वजह से ये किसी को गिफ्ट देने के लिए और घरों में रखने के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। ये खुद को काफी बलवान समझते हैं, इसीलिए बड़े कुत्तों को देखकर अपनी पतली सी भौं भौं से उनको डराने की कोशिश करते हैं। हालांकि दूसरे कुत्तों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको घर में रखने से पहले एक बात का जरूर ख्याल रखें कि इन्हें सही तरीके की ट्रेनिंग की काफी जरूरत होती है, क्योंकि ये काफी चुलबुले नेचर के होते हैं और एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाते हैं। नंबर 3, शार्पे। कुत्ते की ये प्रजाति चाइना से बिलोंग करती है। अगर कोई दूसरा कुत्ता इनके ऊपर हमला कर दे तो इनकी रिंकल बॉडी और यूनिक स्किन टेक्सचर की वजह से दूसरे कुत्तों के मुंह में अजीब सा सेंसेशन होता है, जो उसकी पकड़ को कमजोर कर देता है। इसीलिए इन्हें सैंड स्किन भी कहा जाता है। इनको देखकर लगता है जैसे किसी ने टॉवल को एक जगह इकट्ठा करके रख दिया हो। ये देखने में तो क्यूट लगते ही है, साथ ही काफी अच्छे हाउस गार्ड भी होते हैं। अपनी रिंकल बॉडी और मोटी स्किन की वजह से इनकी एनर्जी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होती। इनकी एक और खासियत ये भी है कि इनकी जीभ का रंग पिंक ना होकर ब्लू ब्लैक होता है, जो दुनिया में सिर्फ दो ही प्रजाति के कुत्तों का है। इन कुत्तों को पालने के लिए किसी तरह की कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, ये खुद ही सही और गलत समझते हैं। नंबर 2, जैक रसल टेरियर। ये क्यूट डॉग आपकी लाइफ को प्यार और खुशी से भर देगा, सिर्फ इसको थोड़े से सुपरविजन, ट्रेनिंग और अटेंशन की जरूरत है। ये कुत्ते किसी भी अपार्टमेंट और छोटे घर में आसानी से रह सकते हैं। ये घर के अंदर शांति से रहते हैं, कम भौंकते हैं और ज्यादा शैतानी भी नहीं करते, लेकिन ये कुछ ना कुछ फनी हरकतें करते हुए आपको जरूर दिखाई दे जाएंगे। वही घर के बाहर ही अचानक से एनर्जेटिक, हाइपर एक्टिव और खेलने वाले बन जाते हैं, और इतना खेलते हैं कि आपको थका देंगे, क्योंकि ये काफी फुर्तीले और फास्ट होते हैं। ये डॉगी थोड़े इमोशनल भी होते हैं। अगर इनको कुछ देर के लिए घर में अकेला छोड़ दिया जाए तो ये मायूस हो जाते हैं, और फिर इनको मनाने में आपका काफी समय जा सकता है। इनका रूठना मनाना छोटे बच्चों की तरह चलता रहता है, जो आपका हमेशा मन लगा कर रखता है। नंबर 1, पग। इस जानवर को कौन नहीं जानता। ये क्यूट, इंटेलिजेंट, अडोरेबल और कॉम्पैक्ट होते हैं, जो कहीं भी इजीली फिट हो जाते हैं। अगर इनको छोटा पैकेट बड़ा धमाका कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि होते तो ये धमाका ही है। क्यूट से दिखने वाले पग सोशल मीडिया से लेकर टीवी शोज तक में सेंसेशन बने रहते हैं। इन कुत्तों को मुश्किल से कभी गुस्सा आता है, जिसकी वजह से ये बच्चों के साथ रहने के लिए परफेक्ट होते हैं। ये अपने मास्टर्स के खराब मूड को समझते हैं और उन्हें खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इनको शैडो के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बड़े ही क्यूटली अपने मालिक का शैडो की तरफ पीछा करते हैं और उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने की सारी कोशिशें करते हैं। ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से पग दुनिया के सबसे क्यूट डॉग्स में से एक है। कुत्ते वो साथी है जो किसी भी कंडीशन में अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ते, जिसकी वजह से इनको वफादार कहा जाता है, और इनकी हरकतें ऐसी होती है कि किसी के भी खराब मूड को ठीक कर सकती है। घर में अगर कुत्ता है तो वो घर के लोगों का ऐसा एंटरटेनमेंट करके रखता है जैसे कोई छोटा बच्चा हो, तभी तो डॉग्स को क्यूट कहा जाता है। आपको आज की वीडियो में कौन सा डॉगी सबसे ज्यादा क्यूट लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।